अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया एफ आई पिजन कैरी में। अच्छा दोस्तों, ये एक पील लकी सी है और इसका अंडा फंसा हुआ है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की बड़े प्यार से कि अंडा अंदर टूट ना जाए। अभी ये हालात हैं इसके मादी के, ये देखें ये हालात हैं इसके, तो बड़े प्यार से इसको अंडे को निकालने की हम कोशिश करेंगे यहाँ से कि अंडा जो है ना वो टूटे ना अंदर। टूट गया तो बहुत मसला होना है, वो टूट के ना अंदर तो फिर ना वो कबूतरी मर जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो एक मिनट आप जरा मुझे दें, मैं इसको कबूतरी को सीधा लगा, कबूतरी जो है तंग हो गई। ये देखें दोस्तों, इस तरह से कुछ ना ये कबूतर अपना पीछे से निज़ाम जो है वो बिस्मिल्लाह वीडियो स्टॉप कर दो। दोस्तों ये अंडा इसका बड़े आराम से निकालना है इसको हमने, ये देखें ज़रा इसको हल्का हल्का पुश करना है इसको बाहर को हमने, ध्यान रखना टूटे ना, बस अंडा नहीं टूटना चाहिए। आ गया पर थोड़ी सी और, ये देखें दोस्तों बड़े प्यार से पीछे से ऐसे, ये देखें ये अंडा आ गया भाई। ये कबूतरी एक्सपायर हो जाना था क्योंकि कबूतरी की बीट का आप आलम देख रहे थे क्या था, बेचारी यार बच गई है। ये देखें ज़रा ये कबूतरी का आलम देखें क्या था, इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इसके बाद आपसे आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं ज़रा। ठीक हो दोस्तों, ये अंडा था, ये ब्लड लगा हुआ था, कबूतरी का अंडा फंसा हुआ था, तो अभी कबूतरी को थोड़ा इजी होने दिया है, कबूतरी थोड़ा इजी होगी उसके बाद आपसे हम शेयर करते हैं कबूतरी की सिस्टम क्या कंडीशन है। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी वो ज़रा ना, किधर बैठी है किधर, वो लास्ट में उसके, हाँ वो उसके पीछे कबूतर पे आ गए हैं, वो देखें थोड़ा सा ना वो, ये देखें ये वाइट वाली अंदर, अभी इसे चला नहीं जा रहा, तो इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, यहाँ से निकाल के इसको मादियों में फेंक देते, पता नहीं वहाँ पे क्या कर रही है ये मादियों में, वो देखें ना चार चार नर लगा हुआ उसको, यहाँ पे करना तो पता नहीं गलती से वहीं पर रह गई है मादी, नहीं जिसलिए बच्चा वगैरह अंडा उसका हो गया, वो बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था और दो दिन से मिसाज ऐसा था, वो देखें फिर उसके ऊपर नर चाड़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी अपनी पट्टी वाली, बड़ा उड़ती थी कबूतरी है हमारी माशाल्लाह, पट्टी वाली सारा दिन उड़ती जाती थी माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, ये इसकी आइज़ है जो पट्टी लोगों को शो करते हैं, ये इसका पर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पर वगैरह लगा हुआ इसका, तो अब जो है ये थोड़ी सी यस हो जाएगी, दाना इसका पूरा है यहाँ पर, बीट इसकी ये देखें बंद हुई हुई थी, अभी भी देखें ज़रा ब्लड श्लड ये जो है बीट वगैरह सारी गंदी हुई हुई है अभी भी, ये खुद ही अपना आप साफ़ कर लेगी यहाँ से, तो ये जो है इसको फीमेल में छोड़ दो, बाकी फ्लाइंग वगैरह स्टार्ट कर दिए इसने, अभी बेहतर हो जाएगी ये थोड़ी देर बाद, अभी पानी शानी पिएगी, इसकी जो बीट का निज़ाम है वो चलेगा ना, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो यार भाई बता दो, लेकिन एहतियात बहुत, अगर आपको नहीं ना आती तो आप अंडा ना निकालें, क्योंकि सभी भाई सीन ऐसा है कि कबूतर टूट गया तो यार एक्सपायर है, एक्सपायर है, और अगर नहीं आता निकालने का तो आप ऐसी कोशिश ना करें, इसका ये होता है कि साइडों से दबा के ना इसको बीच में लाना पड़ता है, दोनों साइडों की टांगों के बीच में से दबा के ना इसको भी। अच्छा ये भी है कि अगर गलत निकाल दो अगर अंदर टूट जाए तब भी कबूतर एक्सपायर है, इसमें ऐसा होता अगर ना निकालो तब भी एक्सपायर है, और ना निकालो तब भी एक्सपायर है, अगर निकाल दो तब भी एक्सपायर है, नहीं एक्सपायर लेकिन निकालने का तरीका होना चाहिए। अब सम टाइम भाई ऐसा होता है, सम टाइम ना वो इस तरह निकाल देते हैं कि बीच में से अंदर से कुछ और इनका जो मवाद है ना वो समझ में आप वो निकल आता बाहर, तो कोई नहीं ये ऐसा सीन है कि अब आपसे हमने वीडियो शेयर किया है, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब से काफ़ी दुआ में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।